प्रोकास्टिनेशन आपकी क्वालिटी है कि आप लास्ट छह चीज़ों को डीले करके और आराम से लास्ट मोमेंट के लिए रखें चाहे कि बस कितना भी स्टार्टिंग से टाइम है आप उसको बिल्कुल आखिर में जाके करें जब आपके सर पे डेडलाइन हो जैसे कि स्टूडेंट्स सब ज़्यादा करते हैं कि कल अगर सबमिट करनी है असाइनमेंट तो आज करेंगे चाहे आप उनको एक साल ही दे दो उस असाइनमेंट के लिए वो बिल्कुल एक दिन पहले ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरी रिसर्च ये कहती है कि दो तरीके के प्रोकाशनेट्स होते हैं एक आपके पैसिव और एक एक्टिव तो पैसिव वो होते हैं जिन लोगों को डिसीजन लेने में ही प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें उनके एक्शंस क्या रहें जिससे कि वो काम ख़त्म हो सके बट एक्टिव प्रोकैसनेटर्स वो होते हैं जो लास्ट मोमेंट के लिए काम रखते हैं जानबूझ के क्योंकि उन्हें थ्रिल आता है ग्रीक फिलासफ़र्स जो थे उन्होंने ये टर्म निकाला था अक्रेसिया इस बिहेवियर को कहते हैं अक्रेसिया सो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है पर आप इसका उल्टा करते हो लूजली ट्रांसलेट करने में प्रो के लिए यूज़ होता था और अभी जब बिहेवियल साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को डिफाइन करते हैं तो वो इसे हमारा फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फेलियर कहते हैं हम ये जानते हुए भी, भी कि हमें ये चीज़ करनी है नहीं कर पाते अब इसको थोड़ा का डिटेल में समझे सर तो ये होता है कि प्रो का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो प्रो और लेजी लोगों में ये डिफ्रेंस होता है कि लेज़ी लोगों को कुछ करना ही नहीं होता बट प्रो का होता है उन्हें करना तो होता है बट वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते तो मतलब प्रॉब्लम करने में नहीं है प्रॉब्लम स्टार्ट करने में आई थिंक सबसे बड़ा जो रीजन है ना इसका प्रोकेस्टिनेशन का दैट इज कि हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है हाँ सर ये भी बहुत बड़ा रीजन जैसे है जैसे अगर आपने स्टूडेंट्स की बात करी तो जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट डिग्री में तो है डिग्री के बाद में जो जॉब मिलनी है उसमें तो है वहां से जो पैसा आना है उसमें तो है बट पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इस वजह से वो प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं आई थिंक सबसे बड़ा रीजन तो यही है क्योंकि अगर किसी काम में मजा आता है एक्चुअल में कोई किसी काम को इन्जॉय करता है तो वहाँ पर एक्सप्लीशन नहीं हो पाता है हाँ फिर वहाँ पे आप करना चाहते हैं लेकिन उसमें भी एक चीज़ है जो आ, रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन क्योंकि इमीडिएट उसको ग्राटिफाई करने में लगा रहता है रिवॉर्ड को और फ्यूचर रिवॉर्ड को पोस्टपोन करता रहता है तो एन्जाइटी भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है बिकॉज ब्रेन तो डेवलप्ट नहीं है उस चीज़ के लिए ब्रेन आपका ही इमीडिएट ग्राटिफिकेशन के लिए पर सोसाइटी आपकी डिलेड रिस्पॉन्स में चलती है तो ऐसे में आजकल लोगों को इतनी ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस इसी वजह से है क्योंकि वो डिले करना अभी भी उनके लिए एक प्लेजर से दूसरे प्लेजर पर जो एक जगह पर टिक नहीं पाता है एंड बेसिकली इट वॉन्ट्स इंस्टेंट प्लेजर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी में मजा आना चाहिए फ्यूचर का कॉन्सेप्ट तो एक मंकी के ब्रेन में होता ही नहीं है सो so, अब अब पॉइंट ये आता है कि अब इसको सोल्यूशन क्या है पहले हम इस प्रॉब्लम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फिर एक एक करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जैसे प्रो की एक वजह हमको मिली जो सबसे बड़ी वजह मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे तो वो ये है कि अगर किसी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है तो वहां पर हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं उस काम को ना करने देते जैसे कि 99 परसेंट अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो उनका जो भी वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पेशली hmm. इंडिया में क्योंकि यहाँ पे थेरोटिकल बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकल बहुत ही कम, कम है तो एक्चुअल में किसी का ना तो लेक्चर में इंटरेस्ट है ना पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है ना उसको याद करने में इंटरेस्ट है hmm. याद करने में किसी मजा आता है कुछ डिस्कवर करने में मजा आता है ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है खेलने कूदने में मज़ा आता है स्पोर्ट्स में मजा आता है या कोई प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं उसमें मजा आता है इसमें कोई प्लेजर तो है ही नहीं इट्स जस्ट लाइक क्राइमिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस राइट yeah. right, तो उसमें इंटरेस्ट तो है ही नहीं बट करना पड़ रहा है hmm. क्यों क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है पेरेंट्स का प्रेशर है और अंदर से भी एक प्रेशर है कि भाई अगर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे जैसे क्या? टिपिकली हमारे घर में यहाँ पे डायलॉग चलता है इंडिया में कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या रिक्शा चलाओगे हाँ. तो सीधा ही एक अपोजिट ऐसा क्रिएट कर देते हैं एक ऐसी एक हॉरिफिक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं बच्चों के माइंड में कि अब वो कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर प्रेशर बिकॉज ऑफ फियर कि अगर नहीं किया तो रिक्शा चलाना पड़ेगा उनके माइंड में एकदम से इमेज आ जाती है कि अच्छा मैं रिक्शा चला रहा हूँ वोट धूप में गर्मी में और वटेवर दिल्ली की जो गर्मी है उसके अंदर तो इस तरह से फियर अंदर ट्रिगर हो जाता है और फिर हम उसको लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करते रहते हैं जितना डिले कर सकते हैं कर देते हैं लास्ट में जब डेडलाइन आ जाती है जब बिल्कुल डू डाई वाली सिचुएशन होती है तो फिर उसको करते हैं और उसमें भी मजा आता है क्योंकि मिलता है ना रिलीज होते हैं ब्रेन में जैसे एक हॉरर मूवी देखते हैं

या या फेल या पास जब वो ली सिचुएशन आ गई तो वो काम जो तीन महीने में होना था वो तीन दिन में किया तो एक तो उस टाइम पे वो इंसान फ्लो में चला जाएगा ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि सारा ध्यान सब जगह से हट करके वहीं आ गया जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है कि भाई जिस मूवमेंट में एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा डेंजर होता है तो उस मूवमेंट में हमारे अंदर डर नहीं होता एक्चुअल में क्योंकि हम बिजी होते हैं या तो भागने में या लड़ने में तो हम पूरी तरह से उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें एक अलग ही मजा आता है बिकॉज कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता ना अंदर ये जो ही नहीं बचती है, है तो लास्ट जब दो घंटे जमा करा रहे हैं और फिर करा लेते हैं हाँ. तो एक प्लेजर मिलता है अंदर डोपोमिन भी आता है और मुझे थ्रिल मिलता है कुछ देर के लिए वो बड़ा कमाल का होता है क्यों क्योंकि अब तो कराना ही पड़ेगा नहीं तो बिजली कट जाएगी तो इंसान वो जो लास्ट मोमेंट पे भागता है या लास्ट मोमेंट पे कुछ करता है तो एक तो वो फ्लो स्टेट में होता है विच इज प्लेचरेबल जैसे टिपिकली मैंने देखा है बहुत लोग इस तरीके से बोलते हैं कि भाई अरे मैंने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करी हाँ। एग्जाम्स चार दिन पहले पढ़ाई करी और देखो मैंने टॉप कर गया वही वही मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ तो एक हो गया सेल्फ सेल्फ या एक हो गया वो जो थ्रिल मिलता है प्लस एक और सबसे बड़ा जो इस सबकी भी जो फाउंडेशन है वो है कि उस काम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो पहले अगर देखा जाए तो पहले ही स्टेप में एक काम गलत हो चुका है कि एक ऐसा काम जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो काम कर क्यों रहे हो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन सर कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मजबूरी होती हैं आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ाई छोड़कर के अपने हिसाब से कुछ करूँगा जिन लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली क्या वो बहुत सक्सेसफुल हो गए इज एजुकेशन इज इक्वल टू सक्सेस क्या ऐसे लोगों को आप जानते हो कि जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है और अनएम्प्लॉयड है टॉप कॉलेज को हटा देते हैं सिर्फ इंडिया में टॉप कॉलेज तो नहीं है ना दस कॉलेज तो नहीं है ना हजारों कॉलेजेस हैं लाखों कॉलेजेस हैं तो क्या उन सब कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं पढ़ाई करके चार साल छह साल आठ साल जिसको भी हम पढ़ाई बोलते हैं क्या उन सबको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं नहीं सर बट अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो फिर आपने स्टार्ट क्यों किया आपने अपने पेंस के पैसे लगाए और सब कुछ किया और आपको पता है कि आपको वो चीज़ करनी है मतलब एक बैकअप के लिए पर हाई बेसिकली ये होता है कि आपको जो करना है आप करो उसके बाद बट एक बैकअप होना चाहिए कि अगर वो चीज़ नहीं सक्सेसफुली मान लो आप एक बिजनेस वेंचर के लिए गए हो और वो नहीं होता किसी वजह सक्सेसफुल बट आपके पास एजुकेशन है फॉर द टाइम बिंग आप कहीं जॉब कर सकते हो और घर चला सकते हो उस टाइम के लिए और फिर आप अपना साइड बाय साइड जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ कर सकते हो उसको बना सकते हो तो सर आपने जो चीज़ स्टार्ट की है उसे फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है अगर इंटरेस्ट नहीं था तो आप फिर उस चीज़ को स्टार्ट क्यों किया आपने जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उसका मैं आपको जवाब देता हूँ एक बार को यहाँ से करियर को हटा देते हैं रिलेशनशिप को बीच में लगा देते हैं आप अभी ये पूछ रहे हो कि भाई आप एक रिलेशनशिप में चले गए हो जो कि टॉक्सिक है जब तक नहीं गए थे तब तक बड़ी अच्छी लग रही थी वो रिलेशनशिप जब चले गए तब पता लगा कि आर नॉट मेड फॉर इच अदर तो आप कह रही हो अब आप गई क्यों उस रिलेशनशिप में अब तो आपको चार साल तक या छह साल तक उस रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा या फिर बेटर स्टिल पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा या फिर इस रिलेशनशिप को एज बैकअप रखो क्योंकि पता नहीं आपको कोई दूसरी रिलेशनशिप मिले या ना मिले इसको तो बैकअप के लिए रख ही लो अपने साथ साथ में इसको चलाते रहो और अपना कुछ और एक्सप्लोर करते रहो हो सकता है वहां पर कुछ हो जाए नहीं हो तो बैकअप में ये तो है ही ये लड़का या लड़की तो ऑल आई एम से हमको ये जो पूरे सोसाइटी के नॉर्म्स है ना इसको क्वेश्चन करना होगा जो बहुत कम लोग करते हैं कि अगर हम वही काम करें जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट है हुँ. तब हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है या कोई ऐसा काम करे जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तब हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है चाहे वो कोई भी काम हो एक सिंपल सा काम हो पत्थर से मूर्ति बनाने का काम हुँ. कितना बेसिक सा एग्जाम्पल है बट उसमें इंटरेस्ट है चाहे पेंटिंग करना हो किसी को बात करने में इंटरेस्ट है और वो ऐसे ही काम करे जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करता चला जाए थेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी जिसके लिए किसी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन hmm. स्किल्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं जिसको वो पढ़ सकता है बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसको वो देख सकता है देख सकती है उसके बाद में वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में और प्रैक्टिकली उसमें अपना करियर बना सकते हैं अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होगी यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि एक इंसान ये करेगा नंबर वन उसको बैकअप रख करके हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हम एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं टिपिकली जहाँ पर हमारी सारी एनर्जी जा रही है मतलब मान लो हमारे पास में लिमिटेड अटेंशन है क्योंकि जस्ट लाइक टाइम अटेंशन इज अ लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास में अनलिमिटेड अटेंशन नहीं है hmm. तो हमारी अटेंशन का 90 परसेंट तो चला गया पढ़ाई में क्लासेस अटेंड करने में वो क्लासेस जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है वो एग्जामेशन देने में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी तैयारी करने में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नाइन्टी अटेंशन वहाँ चली गई

तो कोई है जो फुल टाइम बेसिस पे वो ही काम कर रहा है या कर रही है कोई है जो उसको एज अ बैकअप सोच करके चल रहा है तो ये पूरी की पूरी थ्योरी गलत हो गई ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कुछ देर वो काम करें जो करना मजबूरी है या आपने उसके लिए किया था जो भी रीजन है उसका और थोड़ी देर आप वो करें Uh, जो कि आप करना चाहते हैं जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं आ, लोग पूछते हैं तो कि फोर्टी मिनट्स के लिए आप स्टडी करें चूँकि उतना ही टाइम आपका ब्रेन आपको दे सकता है टेंशन और ट्वेंटी मिनट्स आप वो करें जो आप करना चाहते हैं आप म्यूज़िक सुन सकते हैं वॉक कर सकते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करें या आप कुछ और करना चाहते हैं जो आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है वोट यो सेंग इज़ कि वो काम जो हमको करना पसंद नहीं है उसको हम किसी ऐसे काम के साथ में जोड़ दें या उसके साथ में कोई ऐसा रिवॉर्ड जोड़ दें इमीडिएट रिवॉर्ड नॉट अ डिलेड रिवॉर्ड जो दो साल बाद या पांच साल बाद मिलेगा अभी इमीडिएटली अगर हमने ये किया तो हमको ये मिलेगा Haan. कि अगर हमने चालीस मिनट पढ़ाई करी तो बीस मिनट के लिए अब आप ये कर सकते हो hmm. अगर चालीस मिनट पढ़ाई नहीं करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा आपको एंड नो डाउट दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर दोज हु डोंट हैव द करेज टू परस्यू वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट टू डू ज मैक्सिम पॉपुलशन विच इज मेजोरिटी राइट तो उनके लिए ऑप्शन अच्छा है तो मेरा फिलहाल अभी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनके लिए तो टिप्स और ट्रिक्स और ये सब बहुत है इंटरनेट पे वो जाएंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा माई बेसिक आइडिया इज टू क्वेश्चन द वेरी फाउंडेशन ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर जो इस तरीके से डिजाइंड है डीलेड ग्रेटिफिकेशन जिसको हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम वो नहीं है क्योंकि अगर कोई इंसान अपना कोई और स्किल ऐसी एक्वायर कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो वहां पर भी इमिजिएट उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा मान लो उसका किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसने आज खेलना शुरू किया ये थोड़ी कल उसको ब्रांड डील्स मिल जाएंगे और बहुत पैसा आने लग जाएगा उसमें भी पांच दस साल लगेंगे तो डीले तो वहां पर भी है फर्क ये है कि पांच दस साल तक वो एटलीस्ट वो काम कर रहा है या वो काम सीख रहा है जिस काम को सीखने में और जिस काम को करने में उसका इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ से कोई इंसान एक ऐसा काम कर रहा है जिस काम में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है यानी कि पढ़ाई उस पढ़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ इसलिए कर रहा है प्रेशर की वजह से क्योंकि उसके यार दोस्त भी वही कर रहे हैं या तो या फिर उसकी फैमिली का प्रेशर है या फिर उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं और क्या करू या फिर वो अंदर से डरा हुआ है कि अगर ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा जैसे आपने शुरू में बोला था कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसके बिना तो वो कहीं के नहीं रहेंगे जैसे टिपिकली जो घर वाले बोलते हैं ये वही थॉट प्रोसेस हो गई कि अगर नहीं करोगे तो क्या रिक्शा चलाओगे तो मैं आपके सामने बैठा हूं मैंने तो ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी है आई एम नॉट श्योर आपको पता है मेरे बारे में नहीं पता डू यू नो दैट नो अच्छा यू डोंट नो दैट ओके तो आई एम एन अंडर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी है hmm. और मैं अकेला नहीं हूं मेरे ऐसे बहुत है इनफैक्ट yeah. वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है अंडर hmm. ग्रैड और कुछ बहुत अच्छा किया है उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसिस खड़े कर दिए हैं तो कहने का मतलब है आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल थिंग विच मेक सेंस टू मी आई डोंट नो व्हाई इट डज नॉट मेक सेंस टू अदर्स कि भाई वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट interest है और उसमें अपना सौ परसेंट दे दो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि मैंने ये किया और पार्ट टाइम बेसिस पे किया दो तीन साल किया और मैं ये हो जाऊँगा वो हो जाऊंगा ऐसा नहीं होगा जैसे एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होती है उसमें अंदर घुसने के लिए एक टॉप कॉलेज में हम तीन तीन साल तक तो तैयारी करते हैं hmm. बट यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैंने अभी ये काम शुरू किया अपने घर से और चार दिन में मुझे इतना पैसा आ जाना चाहिए नहीं आया तो मैं फेलियर हूं तो ये काम बेकार है अरे उधर भी चार साल दो ना उतना ही एफर्ट करो ना जितना कि फॉर्मल एजुकेशन में करते हो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एफर्ट नहीं है एफर्ट है बट द थिंग इज इफ यू लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग तो वहां पर प्रो जड़ से खत्म हो जाता है बट द पॉइंट इज लोग ये नहीं फिगर आउट करते हैं कि वो कैसे किया जाए रास्ते हैं सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यह है कि हमें ये नहीं पता कि ऐसे रास्ते भी हैं फॉर्मल हाँ. एक एजुकेशन सिस्टम से हट करके कुछ ऑप्शन भी हैं एक तो हमको यह नहीं पता है हुँ. दूसरा हमको ये नहीं पता है कि अगर चलो वो रास्ते मिल भी गए तो अब उसमें कैसे किया जाए हाउ टू डू इट नंबर वन इज वॉट टू डू सेकेंड इज हाउ टू डू बट इन दोनों से पहले ये दोनों भी इतने बड़े पॉइंट नहीं है क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन एज है मोबाइल पे कोई चाहे तो सब ढूंढ सकता है वॉट बी और हाउ बी इससे इंपॉर्टेंट है वाई टू डू वो कभी कोई अपने आप से नहीं पूछता है hmm. कि क्या मैं कोई ऐसा काम करूं जिसको करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और पूरी जिंदगी वही करता रहूं अगले पचास साल तक साठ साल तक क्योंकि उस सिस्टम से निकल करके जहां उसकी जॉब लगने वाली है दर इज अस्ट्रॉग पॉसिबिलिटी उस जॉब में भी उसका इंटरेस्ट नहीं है वहां yeah. से जो पैसा मिलने वाला है उसमें इंटरेस्ट है तो पूरी जिंदगी क्या ऐसा ही काम करता रहूं जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है या मैं अपनी लाइफ के अगले एक साल या दो साल या तीन साल दूं

बट उसमें क्या है उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी भी सिखाएंगे जिसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो प्लस टाइम लग जाएगा प्लस पैसा लग जाएगा चार पांच साल चाहिए ना उसको पूरे को खत्म करने के लिए पहले बी करोगे फिर एम करोगे फिर ये करोगे वो करोगे मैं क्या कह रहा हूं आपको बिल्कुल क्लियर है माइंड में कि मेरा इंटरेस्ट है पत्थर की मूर्तियां बनाने में अब क्या बन सकती है उससे कुछ भी बन सकती है रिलीजियस भी बन सकती है नॉन रिलीजियस भी बन सकती है आप कुछ मोटिवेशनल भी बना सकते हो आप लाफिंग बुद्धा बना सकते हो क्या क्या बना सकते हो कोई लिमिट ही नहीं है उसके लिए चाहिए क्या है कुछ बेसिक से टूल्स चाहिए जो सस्ते से आते हैं और एक स्किल चाहिए अब वो स्किल कहाँ से मिलेगी आपको इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर इसका हब हाँ है पूरा का पूरा जैसे भी पीछे मैं राजस्थान गया था तो वहां पर मैंने एक एरिया देखा जहां पर लाइन से ऐसी दुकानें हैं तो अगर वहां पर आप जाओ और जाकर के बोलो कि मैं ये सीखना चाहता हूँ आपके यहाँ पे और सीखने के मैं आपको पैसे दूंगा अरे कॉलेज को भी तो देते हो पैसे सीखने के तो उनको जाकर के बोलो मैं महीने का आपको पांच हजार रुपये दूंगा वो जो इंसान जिसको बीस तीस साल का एक्सपीरियंस है एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाने का वो आपको सिखा देगा आप सीख गए छह महीने में क्यों अपने चार पांच साल छह साल खराब करने हैं छे महीने में आप सीख गए अब आपने प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो अगले एक दो साल में आप कैसी मूर्तियां बना सकते हो और अगर अच्छी बना सकते हो तो क्या आज के डेट में ऑनलाइन कम प्लेटफॉर्म है जहां से कि आप बेच सकते हो नहीं। अब इसमें मुश्किल क्या है ये तो बहुत आसान है और प्लस अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो किस किस तरह की मूर्तियां बना सकते हो कुछ ऐसी बनाओ ना जो और कोई ना बना रहा हो कुछ ऐसे मटेरियल्स की बनाओ मे बी वाइट मार्बल की या ब्लैक ग्रेनाइट की या कुछ भी जिससे भी बन सकता है आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ इट बट जैसे भी जो भी चीजें बन सकती है वो सब बनाओ ना और बना करके उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पैकेज करके अपने ब्रांड से अपनी एक वेबसाइट बना के जो कि आज की डेट में खेल है अपनी वेबसाइट बनाना जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए ऑनलाइन ये स्टोर्स खुल जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जिसके लिए अगेन आपको कोई पैसे नहीं चाहिए पहले के जमाने में क्या होता था तो आपको एक ऑफलाइन दुकान चाहिए उसके लिए रेंट देना पड़ेगा उसके लिए पैसा चाहिए जमाना बदल चुका है लेकिन लोगों की सोच अभी भी वही है जो बीस तीस साल पहले थी कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए इसमें पैसा कहाँ चाहिए मुझे बताओ एक मूर्ति बनाने में आपको क्या चाहिए पत्थर चाहिए पत्थर तो सस्ता है <laughs> मूर्ति महंगी है ना पत्थर तो जाओ कहीं से भी खरीद के ले आओ और बना दो अगर आपको बनाना आता है तो सीख लो कहीं से कॉलेज में जाओगे वहां भी तो पैसा देना पड़ेगा वहां भी फ्री में तो होता नहीं है तो अगर किसी को आपने पांच हजार रुपए महीना भी दिया तो कोई आदमी आपको खुशी खुशी सिखा देगा सो बेसिकली सर आप कहते हैं कि पहले हम स्किल्स एक्वायर करें और उसके बाद प्रैक्टिस करें स्किल्स एक्वायर करो प्रैक्टिस करो प्लस जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो करो फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड ही ऐसा है जो कि क्रिएटिव है आर्टिस्टिक है तो क्यों घरों की रेस में भाग रहे हो क्यों कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है दूर दूर तक जिसमें सिर्फ रट्टे मारने हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में उसके बाद निकल करके आपको वही काम करना है जो कि ऊपर से दिया जा रहा है ना उससे ज्यादा ना उससे कम ज्यादा किया तो भी आपको निकाल देंगे कम किया तो भी निकाल देंगे और काम वो करना है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है तो कर क्यों रहे हो ये ऐसी लाइफ जी क्यों रहे हो क्या किसी इंसान को ये गलत समी तो नहीं है कि मेरे को सौ लाइफ मिलने वाली है उसमें से एक आध खराब हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है कुछ ऐसा ही है कुछ ऐसे ही सोचते हैं शायद आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं सौ साल की समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों नहीं सोचते जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आसान है सब कुछ इसमें मुश्किल क्या है जैसे अगर आप फोटोग्राफी की बात करो तो फोटोग्राफी सीखने के दो तरीके हैं एक है एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाओ वहां से सीखो जहां पे चार साल लगेंगे छह साल लगेंगे या फिर है प्रैक्टिकली करके सीखो और जो बेसिक नॉलेज है वो कहीं से ले लो जैसे मैंने दो हफ्ते का कोर्स किया है फोटोग्राफी का वहां से मेरे को बेसिक नॉलेज मिल गई उसके बाद मैं प्रैक्टिकली करके सीखा जैसे मैंने अभी पत्थर की मूर्ति बनाने वाले का एग्जाम्पल दिया आपको तो छह महीने साल आप कहीं से सीख लो स्किली तो सीखनी है वॉट इज एजुकेशन एट द डे स्किल एंड नॉलेज और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो करके ही आएगा hmm. जैसे आप एजुकेशन सिस्टम से जितनी मर्जी नॉलेज ले लो जब तक प्रैक्टिकली एक काम को करोगे नहीं वो किसी काम की नहीं है एंड इन नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द केसेज कॉलेज में सीख रहे हो वो उससे बिल्कुल अलग है जो एक्चुअल में दुनिया में हो रहा है वहां पर system. वो किसी काम का ही नहीं है जो आपको सिखाया जा रहा है वो बीस तीस साल पुराना है और आज जो हो रहा है वो कुछ और ही हो रहा है

जैसे जानवरों के केस में क्या होता है उनको एक पर्टिकुलर आप काम दे दो उनको बोलो तुम्हें ये करना है यहाँ पे गोल गोल घूमते रहना है सुबह से लेकर के रात तक दिन के एंड में आपको चारा मिल जाएगा तो वो खुश है क्यों क्योंकि उनके पास में अपना इंटेलेक्ट नहीं है अभी उनका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ है थिंकिंग एबिलिटीज नहीं है क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है बट इंसान की प्रॉब्लम क्या है माइंड पूरा डेवलप हो चुका है बट इंसान से काम वही कराया जा रहा है जो कि एक जानवर से कराते हैं उसको बोल दिया कैसा ऐसा काम करते रहो जो सेम है अगले एक साल तक दो साल तक दस साल तक बीस साल तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है चुपचाप करते रहो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है तो एक इंसान उसमें बोर हो जाएगा अब वो कितना करेगा उतना ही जितना उसको करना पड़ेगा जो उसने स्कूल कॉलेज में किया वही एग्जैक्टली exactly वो अपनी जॉब पर करेगा क्या करेगा स्कूल कॉलेज में कैसे काम होता है जब डेडलाइन आ जाती है एग्जाम में रह गए हैं चार दिन तब काम होता तब है ऐसे ही वहां पर होगा कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है कॉन्फ्रेंस रूम में एक महीने बाद तो जब दो दिन रह जाएंगे तब उसकी तैयारी होगी तब तक क्या होगा कुछ नहीं टाइम पास होगा क्यों क्योंकि क्यों उस काम में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं बट अभी जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसी इंसान का इंटरेस्ट है वो मूर्ति बनाने में छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति अलग अलग तरह की मूर्तियां उसका एक्चुअल में इंटरेस्ट है तो उसको मजा नहीं आएगा रोज अलग अलग मूर्तियां बनाने में और अगर वो अपने पूरे पैशन से और एक्चुअल में इंटरेस्ट के साथ और अपना सब कुछ उसमें लगा देगा माइंड बॉडी सोल सब कुछ एक फ्लो स्टेट में जा करके वो आर्टिस्ट कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करेगा तो क्या देखने वालों को अच्छा नहीं लगेगा उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बड़ी कमाल की है तो क्या उसको सक्सेस नहीं मिलेगी जिसको भी हम सक्सेस बोलते हैं फाइनेंशियल सक्सेस कितनी मिल सकती है अपर लिमिट क्या है उसकी खुद की तो एक लिमिट है जितनी वो मूर्तियां बना सकता है बट अगर वो इसमें एक्सपर्ट हो गया है तो क्या वो और लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है hmm. उनको वो ट्रेन करे फ्री में और अपनी कंपनी में जॉब दे दे और अब वो मूर्तियां बनाए तो वो अकेला नहीं है अकेले तो वो एक दिन में मानो दो मूर्तियां बना सकता है बट hmm. अब अगर दस लोग उसके साथ में हो तो एक दिन में बीस मूर्तियां बन रही है तो एक महीने की 600 मूर्तियां बन रही है एक मूर्ति ऑन एन एवरेज हजार रुपए की भी बिकी तो छे लाख रुपए महीने का बिजनेस आ रहा है यहां से hmm. इतना कुछ है करने के लिए और सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है बस दिमाग खुला होना चाहिए बोलते हैं ना माइंड इज लाइक अ पैराशूट इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन वही बात हो गई ना दिमाग you खुला have to होना make चाहिए टू मेक फॉर इट और मे बी इट इज मच इजियर देन जो कन्वेंशनल पाथ है क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन है यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ही नहीं क्योंकि वीडियो देखने के बाद भी ऑडियो सुनने के बाद भी बहुत कम लोग होंगे जो इस बात पर चलेंगे तो एक्चुअल में इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है कॉम्पिटिशन कहाँ है जो सब करते हैं क्योंकि जो सब करते हैं वही सब करते हैं तो वहाँ कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है स्ट्रेस भी ज्यादा है एन्जाइटी भी ज्यादा है जो भी नेगेटिव है वो सब कुछ वहाँ पे ज्यादा है और पॉजिटिव बहुत कम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा है नेगेटिव भी है लेकिन कम है तो अभी तक हमने इसके एक एस्पेक्ट को कवर किया प्रोक्रेस्टिनेशन के विच इज पैशन एंड इंटरेस्ट वाला अगर हम कोई काम करते हैं तो वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है होता है लेकिन कम होता है इनफैक्ट जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वाले वाज तो रिसर्चिंग सर सो बेसिकली आ, उसमें एक ऑथर का आया था कोई आ, फ्रेंच ऑथर इन एटीन हंड्रेड्स आई कैंट रिमेम्बर द नेम एक्चुअली उनके पब्लिशर ने उन्हें एक दिया था लिखने के लिए और उन्हें सबमिट करना था एक साल के अंदर में तो उन्होंने एक साल क्या किया आप लगा लो छः सात महीने उन्होंने नॉर्मल काम में अपने इंगेजमेंट्स पार्टीज गेस्ट और बाहर जाना आना में निकाल दिया अब जब आखिर के पाँच महीने बचे उसमें उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक किया यहाँ तक कहते है हैं कि उन्होंने अपने कपड़े तक एक जगह लॉक कर दिया और सिर्फ एक शॉल टाइप की रखी थी कि वो रूम से बाहर ही ना निकल पाए ना निकल पाएंगे ना इंगेज कर पाएंगे किसी के साथ और जब उनकी बुक पब्लिश हुई तो वो डेट से एक हफ्ता पहले ही पब्लिश थी क्योंकि वो जो थ्रिल था वो जो लास्ट मोमेंट करने का थ्रिल था और वो जो क्रिएटिविटी उससे खुली चूँकि वो फ़्लो में आ गया वो स्टार्ट करना मुश्किल था बट एक बार शुरू हो गया उसके बाद तो आप फ्लो में ख़त्म कर ही लेते हो इसको राइटिंग में राइटर्स ब्लॉग भी बोलते हैं hmm. और इसको एक फ्लो फ्लो स्टेट बोलते हैं flow flow hmm. जिसमें क्या होता है और तब कुछ मास्टर क्रिएट होते हैं अभी जैसे आपने इस राइटर का एग्जाम्पल दिया मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपने का नाम सुना होगा yeah. उनकी फेमस पेंटिंग मोनालीसा पहले उन्होंने उस पेंटिंग को खत्म किया चार साल में उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं है अभी इसमें कुछ बाकी रह गया है तीन साल और लगाए फिर उसके बाद में कई साल और लगाए तो करते करते जब वो पेंटिंग कंप्लीट हुई तो अभी भी वी आर नॉट श्योर कि वो पेंटिंग उनके एंड से कंप्लीट हुई है नहीं हुई है ही वॉज अ मास्टर प्रोकेस्टिनेटर तो क्रिएटिव फील्ड में प्रोकेस्टिनेशन ज़रूरी है बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है यहाँ पर जो लोग एक्चुअल में क्रिएटिव होते हैं वो क्या करते हैं काम को शुरू तो कर देते हैं फिर करते करते मे बी उनका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वो रेपिटेटिव होने लग जाता है बोरिंग हो जाता है या फिर उनको कुछ नया वहां पर नजर नहीं आ रहा होता है तो उसको छोड़ देते हैं मानो एक पेंटिंग को किया दो साल तक तीन साल तक उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब ये इसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा इस पेंटिंग में ठीक है इट्स जस्ट लाइक एनी अदर पेंटिंग तो उन्होंने अपने से क्वेश्चन पूछा इसमें मैं अलग क्या कर सकता हूं इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं इसमें और डेप्थ कैसे ऐड करूं बट उनको आंसर नहीं मिला तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कई सालों तक या कई महीनों तक फिर वापस से उनको एक इंसाइट आई अच्छा इसमें काम करता हूँ एक ऐसे ब्रश का यूज करता हूँ जो कि एक बाल से भी पतला है या एक बाल के जितना पतला है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया बट उससे मैं ऐसी लेयरिंग कर सकता हूँ इस पेंटिंग में जो कि इट विल लुक थ्री डायमेंशनल ये टू से हट करके थ्री बन जाएगी तो एकदम से आइडिया है फिर उन्होंने उसको किया फिर वो किया फिर वो कर दिया फिर उसके बाद में फिर से उनको लगा कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है भी कुछ और किया जा सकता है फिर कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए उसको छोड़ दिया फिर वापस से उस पर आए जब एक और आइडिया अच्छा ये भी तो हो सकता है ना लाइट एंड शेडो को इस तरीके hmm. से बैकग्राउंड को ब्लर किया जा सकता है मे बी तो ऐसे करते 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 फिर वो पेंटिंग तैयार हुई जो आज तक की वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है hmm. और ऑल्दो दैट इज नॉट फॉर सेल बट कहते हैं कि अगर वो सेल के लिए अवेलेबल हो तो दैट वुड बी मोर देन अ बिलियन डॉलर्स आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है तो ये होता है एक क्रिएटिव लोगों का माइंडसेट जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन पहले तो ये समझना है वो बुरा नहीं होता है प्रोडक्टिविटी hmm. के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे यस वो बुरा होता है कि फॉर एक मशीन है जितनी जल्दी हम उस मशीन को चला देंगे उतनी जल्दी आउटपुट आ जाएगा एक इंसान को भी आप एक मशीन की तरह देखो कि अगर एक मशीनी काम हमको उससे कराना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा है क्यों क्योंकि आउटपुट डिले हो जाएगा बट hmm. अगर कोई क्रिएटिव काम कराना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ फो इट्स अ फ्रेंड तो बुरा नहीं है क्यों क्योंकि जब आपने शुरू किया और आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप बीच में रुक गए मैं भी इनफैक्ट ऐसे ही करता हूं अपने इन सेशंस में व्हाट आई डू इज कि जब कोई इंस्पिरेशन आता है कि ये करना है तो उसको करना शुरू कर दिया तो मेरे को लगा एक पॉइंट पे जाकर के अब सैचुरेशन आ गया है तो आई जस्ट पुट पोटेटा साइड कुछ टाइम के लिए फिर एक इंसाइट आती है कि अच्छा अब इसमें ना ये किया जा सकता है देन आई स्टार्ट अगेन फिर उसमें वापस से आता हूँ फिर क्या होता है कि कुछ नया क्रिएट हो जाता है कुछ ऐसा जो कि टाइमलेस है जो आज से पहले किसी ने क्रिएट नहीं किया है जो आज से पहले हुआ ही नहीं है इस पूरी दुनिया में तो प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा नहीं है क्योंकि जैसे ही ब्लॉक आए जैसे ही लगे कि अब ये एक सेचुरेशन पॉइंट आ रहा है थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो जैसे होता नहीं है कि कई बार हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है तो उस वक्त बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि उस प्रॉब्लम से दिमाग हटा दो छोड़ दो अपने आप कुछ दिन बाद एकदम से एक इनसाइड निकल के आ जाती है अरे ये करना है वो हमने क्या किया डेलिबरेट प्रो वहां पे वो हेल्प करता है क्योंकि hmm. अगर हम उसी प्रॉब्लम में इंटेंगल रहते तो एक महीना क्या एक साल में भी सोल्यूशन नहीं निकलता hmm. बट क्योंकि कुछ दिन के लिए हमने उसको छोड़ दिया तो वहां से वो एकदम से सोल्यूशन निकल के आ गया तो अभी तक हमने प्रोक्रेस्टिनेशन के दो एस्पेक्ट्स को कवर किया वन वॉज ऐसा काम करो जिसमें आपका पैशन है दूसरा प्रो बुरा नहीं है क्रिएटिव फील्ड में इसका एक एस्पेक्ट और भी है दैट इज़ कि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे अंदर या बाहर जिसकी वजह से हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बट वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है hmm. तो मे बी हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं दैट इज़ वॉट इज कॉन्फ्लिक्ट कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किस किस लेवल पर यानी अंदर की दुनिया में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे माइंड के अंदर एट अ साइकोलॉजिकल लेवल और बाहर की दुनिया में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उसकी जड़ क्या है उसका रूट क्या है तो मे बी अब आप इस पर रिसर्च शुरू कर दीजिए okay. तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च एंड फॉर योर स्टडी थैंक यू सी ए देन।